तुम्हें पकड़ कर रखूंगा चाहे जितना तेज दौड़ो। खातिर बिंग बिंग का ख्याल रखना। गाड़ी को स्टार्ट कराओ, हमारे पास पेट्रोल नहीं है। नहीं होगी, अपना मुंह बंद कर और गाड़ी स्टार्ट कर। चलाओ, पेट्रोल है मेरे पास, पेट्रोल है। चलो चलो जल्दी करो। चलो चलो आओ गाड़ी में, चलो चलो जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो। जल्दी जल्दी करो बाबू। Thank you.
कस कर बैठो। उड़ा दो। तुम तो बिल्कुल ठीक लगते हो। भाइयों, उठ जाओ और जल्दी से अपनी धूल साफ करो, जल्दी करो। बालू के तूफान जमीन के कीड़ों के अंडे बाहर लाएगा और वो अंडे सबके शरीर में घुस जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी से धूल साफ करो। इसकी पट्टी काट दो।
चलो जल्दी चलो। अपनी धूल साफ करो, जल्दी से साफ करो। गाड़ी और लोगों को चेक करो। कर लिया सर, 3 गाड़ी लापता हैं और 8 लोग मारे गए हैं। ध्यान से उठाओ। मिस्टर सून कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मैंने इन्हें बचाया। मिस्टर सून, मेरे लिए आपको बचाना खुशी की बात है। शुक्र है मैं जिंदा हूँ, इसलिए चिंता मत कीजिए। एकदम कमीना। जा रहे हो? देखिए, मेरा इंस्टीट्यूट पहले ही ओसिस से संपर्क कर चुका है। मैं ओसिस जाने का रास्ता आपको बता सकता हूं। अगर ज़ॉम्बी इस बार सर्वाइव नहीं कर पाया तो कीड़ों को हमारे पास तक आने में कितना टाइम लग जाएगा? 5 दिन से ज्यादा नहीं। 5 दिन? तुमने तो 50 किलोमीटर तक की जगह खाली करवाई थी, फिर 5 दिन? हम तो वहाँ 50 दिन बाद भी नहीं पहुँच पाएंगे। नहीं नहीं, गोली मत चलाना प्लीज, मुझे थोड़ा और टाइम दो। मैं इसका अच्छे से आकलन करके आपको बताऊंगा, ये मेरा वादा है। वैसे एक एनसीफाई नाम का ड्रग ऑसिस जाने के लिए टिकट का काम करता है। धूल पर काबू करने के एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत खतरनाक इंग्रेडिएंट है, क्या आपके पास वो है? मैं सालों तक लैंड ट्रेडिंग कर चुका हूँ। आश्चर्य की बात है कि एक छोटा सा नीला ट्यूब जिस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, वो ओसिस का टिकट है। पकड़ो उसे, पकड़ो, रोको, भागना मत। अरे अरे, क्या हो रहा है? लगता है ये मर रहा है। ये क्या, तुम पहचान लिए गए? मुझे कुछ पिला है, इसकी कीमत 5 किलो अनाज है। मुंह बंद रखो, ज्यादा गहरी सांसें मत लो, हिम्मत बचा कर रखो, हारो मत। सुनो सुनो, मैंने सुना कि वो ओसिस जा रहे हैं। पीछे आओ मेरे, चलो पीछे आओ मेरे, अंदर चेक करो। अरे अरे, मुझे मैंने हाथ लगाया था, मेरा है। चलो।
नाम ढूंढो। वो उस तरफ गया। पीछे उठो, पीछे। यहाँ पलटना मत। पलटना मत, देखो मत, भरना है क्या? अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट्स की जरूरत होती है। एक ट्यूब अभी भी गायब है। तुमने बहुत अच्छी इज्जत बनाई थी, फिर तुमने ये क्यों किया? हाँ, लापता ट्यूब कहाँ है? इसके पास नहीं है। मार दो इसे। 31, 29, 12 और फिर उसके आगे क्या है? मारना मत इसे। योसिस के कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है। योसिस का नंबर है। तुम्हें जाना है ना? बाकी दो नंबर दिमाग में है। ये कि हमारी मेन गाड़ी खराब हो गई है। ठीक करो उसे। मैकेनिक कहां है? सर, हमारी पांचवी गाड़ी के पीछे हथियारों से लैस कार है। I'm sorry. धूल भरा तूफान हमें यहाँ तक ले आया। जी, क्या आप है? लोगों को डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। ये गाड़ी तुमने खुद मॉडिफाई की है? हाँ, मैंने की है। हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मदद कर सकते हो? अंदर ही रहना चाहे कुछ भी हो जाए। चलो जाओ। Thank you.
एक्सेलेटर बार बार दबाओ, कार शुरू हो जाएगी। ये लो, ये रहा। हाँ, ये अच्छा किया, हमें इसकी जरूरत थी। हमें भी आपकी मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप हमें लेकर चलिए, बदले में आपको खाना और पानी मिलेगा। नो थैंक्स, हमें वापस जोंगड़ू जाना है। एक बार इस पर सोच कर देखो। नो थैंक्स, मेरा परिवार मेरे साथ है और इस काम में खतरा है। जोंगड़ू कीड़ों से घिर चुका है, आप लोग हमारे साथ सुरक्षित हैं। सुनो, बिंग बिंग को गाड़ी में बिठाओ। उसकी बेटी को मार दो, फिर वो हमारी बात सुनेगा। सीधे खड़े रहो। अंत हो चुका है, अब कीड़ों के लिए सिर्फ हम बचे हैं। वो भूखे हैं और बहुत खतरनाक भी। हमारे पास केवल 5 दिन बचे हैं। सिर्फ 5 दिन बचे हैं, जल्दी करो। आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से लियू डोंग। मैं चोर हूं, हाथ गंदे मत करो। ओसिस उच्च गोपनीयता वाली जगह है, आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं। फिर तुम्हें इसका कैसे पता चला? ओसिस के लिए टिकट्स की जरूरत होती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। डिग्री दाएं तरफ, दाएं 5 डिग्री, बाईं तरफ 5 डिग्री। पापा, हम कहां जा रहे हैं? घर जा रहे हैं ना? हवा खाने बाहर आ जाओ। ये बिंग बिंग की टीचर है। एक्चुअली मुझे डर था कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें छुपा दिया था। यंगले, मैं जोंगड़ू डिस्ट्रिक्ट में 5 स्कूलों की वॉलंटियर हूँ। अरे भाई,
आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? चलो चलें। कैप्टन वांग, यहाँ का टेम्परेचर शाम को घट जाता है, इससे बालू की डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। हमारे लिए अच्छा होगा कि आज रात हम यहीं रुके। रुक जाओ, हर एक गाड़ी पर एक एक बंदा नजर रखो और वॉकी टॉकी पर बने रहना। चलो नेट लगाओ। यस सर। ठीक है, घुसाओ जल्दी। अच्छे आदमी है। और कितने कमरे बचे हैं अभी तक? हाँ हाँ हाँ, जाकर ढूंढो। देखो बच्चे, मेरी बात सुनो, कुछ बुरे लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। कैसा रहेगा अगर मैं उन्हें मार दूं तो? हाँ है ना, बाद में मेरे साथ रहना, अभी वहां खड़े हो जाओ, समझ गई? ठीक है, हाँ आ जाओ। रहना, हिलना मत। मुझे डर लग रहा है। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक को मारूंगा, ठीक है? क्या मैं गिनती करना शुरू करूं? मेरी मम्मी कहती थी जब डर लगे तो गिनती करना शुरू करो। मेरे 100 तक गिनने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरा मतलब 1, 2, 3 जोर से 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 25, 26, 27
वाले कीड़े, वो बाई तरफ से आ रहे हैं। दरवाजे बंद करो। मिस्टर सोन, मिस्टर सोन, उठ जाइए।
तुम्हारा हाथ? हाँ, कोई बात नहीं, जरूर स्टील पाइप लगने से चोट आई होगी। थैंक्स अंकल। थैंक यू। थैंक यू भाई। मुझे थैंक्स मत कहो, कोई जरूरत नहीं है, ये सब अपने लिए किया है। ए बच्चे, मेरी जैकेट वापस करो। पर तो पहले समुद्र हुआ करता था। मुझसे दूर मत जाओ मेरी जान, मैं तुम्हारी याद में रोऊंगा। मुझको बताओ तुम्हारा घर किधर है, और वहीं पर मैं भी बस जाऊंगा। मुझको बताओ कि तुम्हारा घर किधर है, वहीं पर मैं भी बस जाऊंगा। मुझको बताओ कि तुम्हारा घर किधर है, वहीं पर मैं भी बस जाऊंगा। गाड़ियों को रोक दो, गाड़ियों को चेक करो और लोगों को भी। जब कीड़े आए थे तब तुम कहां थे? मिस्टर सुन, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ, ये कीड़ों की टारगेट है। सही कहा ना? हाँ, ये सही बोल रहे हैं। कीड़ों में याद रखने की क्षमता होती है। मादा कीड़े के जरिए सिग्नल्स पास किए जाते हैं। वो इसलिए हमारी रुकावट बने क्योंकि हम में से कुछ लोगों को किसी कीड़े ने काट लिया था। जिसको वो काटते हैं वो उनका चारा बनते हैं। हद है यार, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? यहाँ हम सभी इंसान हैं। मैंने सोचा अगर कोई घायल नहीं होता है तो किसी के अंदर घबराहट पैदा करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब कैप्टन वांग ने चेकिंग करने के लिए बोला था, वो और ये शिकार हो चुकी है। ये चोट स्टील पाइप की वजह से है। उसे किसी कीड़े ने नहीं काटा, वो फिसल गई थी। देखो तुम, इतने लोगों को साथ में लेकर घूमना एक बोझ है। ले तुम इतनी औरतों को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? बड़े शौकीन हो तुम। तुम्हारा मतलब क्या है? लॉजिकल हो जाओ। रुको रुको रुको, ऐसा मत करो। रुको। मम्मी, मम्मी।
मुझे तो कीड़ों ने काटा ही था। मैं जानती हूं कि मैं मरने वाली हूं, लेकिन ये लड़की ये बहुत हिम्मती और होशियार है। वो इस सफर में आप लोगों की मदद करेगी। हमारे परिवार में अभी भी 3 लोग हैं। ये मेरी जगह लेगी। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज। सुनो, उठ जाओ। मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। कोशिश करो, तुम कर सकती हो। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं बची। मेरा सफर यही खत्म होता है। हमारी बेटी का ख्याल रखना। बिंग बिंग, मेरे लिए तुम्हें जीना है। अपनी जिंदगी जीना। मिस्टर सोन, मिस्टर सोन, मैंने देखा था, इसकी चोट स्टील पाइप से ही हुई है। मैंने ली की फैमिली को बात करते सुना था, उसकी फैमिली के बारे में। वो ऑफिस में सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इसी वजह से उसे छिपा कर रखा था। सोच कर देखिए, अगर हम लोग इसे ऑफिस ले गए, मिस्टर सोन, लोग आपका सम्मान करेंगे। क्या दिमाग लगाया है इसने, वाकई कमाल है। क्या तुमने देखा था कि इसे चोट कैसे आई? हाँ, मैंने देखा था। तो ठीक है, इसे ले लो और उसे छोड़ दो। चलो अंदर बेटा। बिग 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 सुनो, तैयारी कर लो, सुन तुमसे सवाल जरूर करेगा। हमें टाइम बचाने के लिए रात में यात्रा करनी होगी। कुछ जगहों पर छुपे हुए पत्थर हो सकते हैं, इसलिए ड्राइविंग करते टाइम हमें होशियार रहना होगा। माबो माबो, मुझे नंबर बताओ। हम लगभग वहीं हैं। थर्टीन। और आखिरी नंबर क्या था? प्रोफेसर साहब, मैं बेवकूफ नहीं हूं।
हमारा कल रात का सफर सुरक्षित रहा। अगर सब सही रहा तो सिर्फ 1.5 दिन और लगेंगे। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मम्मी हमारा इंतजार कर रही है? हम जिस जगह जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। वहां कई सारे फूल, तितलियां, बड़ी बड़ी नदियां। तुम्हारी मम्मी और विशाल समंदर सब देखने को मिलेगा। गाड़ी कहां गई? जल्दी करो बालू। बिल्डिंग तुम ठीक हो? ली 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 बिंग बिंग तुम ठीक हो ना? बिंग बिंग तुम ठीक हो? बैठ जाओ इधर। तुम ठीक हो? यंगले यंगले क्या हुआ? ठीक तो हो? मैं मदद करूं? तुमसे तेज चल सकती हूं। होशियार रहना। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अगर मैं मर गया तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। ईओसिस का टिकट है जिसका रंग समुंदर की तरह है। जाओ जाके गाड़ी को चेक करो, देखो कि वो काम करी या नहीं। हाँ ठीक है। कन्वेयर बेल्ट टूट चुकी है, मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कार में पेट्रोल बहुत कम है। ये शायद शॉपिंग सेंटर है, शायद यहाँ पेट्रोल मिल जाए। ढूंढो अगर मरना नहीं चाहते हो तो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो। फिंगरप्रिंट्स अगर मिट गए तो सब मर जाएंगे। चलाओ। चलो चलो चलकर पेट्रोल ढूंढते हैं।
क्या हम अलग अलग दिशा में ढूंढे? ऑटो एसेसरीज एरिया में जाकर देखो, शायद पेट्रोल हो। ठीक है, देखो अंडरग्राउंड ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। माबो देखो, क्या तुम मुझे अब आखिरी नंबर बताओगे? पता नहीं यहां कौन कब मर जाए। अगर हम बाहर निकल पाए तो डेस्टिनेशन से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तीस साल पुराने सॉसेज के बारे में क्या ख्याल है? बस वो 22 साल पुराने ब्रेड के साथ मेल खा जाना चाहिए। परफेक्ट मैच। हे, हमें यहाँ कुछ मिल सकता है। ये हुई ना बात। हाँ, ये पेट्रोल ही है, सिर्फ एक ही कैन है। हाँ, चलते हैं। हाँ चलो।
तुम्हें पकड़ कर रखूंगा चाहे जितना तेज दौड़ो। खातिर बिंग बिंग का ख्याल रखना। गाड़ी को स्टार्ट कराओ। हमारे पास पेट्रोल नहीं है। नहीं होगी। अपना मुंह बंद कर और गाड़ी स्टार्ट कर। चलाओ। पेट्रोल है, मेरे पास पेट्रोल है। चलो चलो जल्दी करो। चलो चलो। आओ गाड़ी लाओ। चलो चलो जल्दी। गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट करो। जल्दी जल्दी करो बाबू। गाड़ी स्टार्ट करो। तेज चलाओ तेज चलाओ। Thank you.
उड़ा दो। बिंग, कुछ नहीं होगा, पापा है ना। तुझे छोड़ूंगा नहीं। और कितना समय लगेगा? सब ठीक हो जाएगा बेटा। और कितना समय लगेगा? रो मत बिंग बिंग, 6 घंटे लगेंगे अगर इसी स्पीड से चले तो। अरे पेट्रोल खत्म हो चुका है। मेरे पास पेट्रोल है, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा पानी मिलाना होगा, उसके बाद काम हो जाएगा। ए बच्ची, अंकल क्या आप एक अच्छे आदमी हो? नहीं नहीं, आप अच्छे आदमी हो। आपने मुझे बचाया था। मिस यांग ने कहा था अच्छे आदमी मरते नहीं, लेकिन वो भी अच्छे लोग थे, तो वो क्यों? आप अच्छे आदमी हो, आप रहोगे ना? आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? ठीक है ठीक है, अच्छा आदमी हूँ मैं, हूँ मैं अच्छा आदमी। बिंग बिंग, इसे सुरक्षित रखना, ये मिस यांग का दिया हुआ गिफ्ट है, जब तक हम ओसिस ना पहुंच जाए इसे बाहर मत निकालना, समझ गई? इसे संभालना। बिंग बिंग, तुम्हें गले लगा सकता हूं? माफ कर दो मुझे।
कैप्टन वांग, हिलना मत। धूल वाला कीड़ा है, हिलना मत। मैं कुछ करता हूं। घबराओ मत बेटा, ले कार स्टार्ट कर। हाँ। बिंग बिंग अंदर चलो। जा सकता हूं। एक सवाल, बालू के कीड़े क्या खाते हैं? कीट तेजी से प्रजनन करते हैं, उन सब को एक साथ मारना इम्पॉसिबल है। सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें भूखा रखा जाए। मैं ये सोचता था कि इसका उत्तर इंसान है, क्योंकि इंसान ही उनका एकमात्र भोजन है। अगर ये सही है तो हम किसी दिन झोंगड़ू को भी खो देंगे, फिर वो लोग कहीं भी छिप सकते हैं, चाहे ओसिस में या फिर कहीं और। अभी भी उम्मीद बाकी है। बालू के कीड़े इंसानों को खाते हैं। लेकिन बालू के कीड़े कुछ दूसरी चीज भी खा सकते हैं, और वो चीज है इंसानों का कचरा, जिस कचरे को तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे पीवीसी और डाइऑक्सिन। कीड़ों के लिए मेजर फूड रिसोर्स है। पिछले कई सालों का दफन मलबा किसी दूसरे रूप में फिर से उभर आया है। इंसानों का विलुप्त होना नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी गलतियां हैं। प्रोफेसर, जमीन के नीचे दबे हुए मलबे को एक दिन खा लिया जाएगा। इसमें 2500 साल लगते हैं। ओके, वीडियो फाइल नंबर 3127। प्रोफेसर ल्यू, प्रोफेसर, प्रोफेसर, ओसिस ने आपको एक इनविटेशन भेजा था। वो नतीजों के बारे में नहीं जानते हैं। हम उनके एक्सपेरिमेंट को सुपरवाइज कर सकते हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? हम लोग ये डिजर्व करते हैं। इससे पहले कि देर हो, मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम भी जा सकते हो। प्रोफेसर, क्या आप ओसिस के लोगों से मिले हैं? नहीं मिला, क्यों पूछ रहे हो? मैं अपनी जिंदगी बचा लूंगा। की तो छिप जाओ, छिप जाओ। ली बिंग बिंग
बिंग बिंग रुक जाओ रुको तुम इंसान नहीं राक्षस हो केवल एक टिकट है रुको ऐसा मत करो रुक जाओ मैं कीड़ों को खाना दूंगा बच्ची को अपने साथ ले जाओ क्या कहते हो तुझे अभी दिखाता हूं तेरी तो कमी ने बिंग 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 चलते हैं मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं क्या हूं यह सभी बालू कीड़ों की रानी इसको बाकी सभी कीड़ों से ज्यादा खून की जरूरत है इधर आ तेरी तो इधर आ जा चल आ जा मैं हूं लियू डोंग एक इज्जतदार प्रोफेसर मैं ही वो हूं जिसे ओसिस जाना चाहिए यहां है खून यहां आओ बिंग बिंग कोई बात नहीं बिंग बिंग जब भागने को कहूं तो भागना अगर डर लगे तो 100 तक गिनती करना सुन रही हो ना ये तू क्या बकवास कर रहा है बेवकूफ भागो
तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देख। सिर्फ एक लड़की थी। मैंने जब गिनती की आवाज सुनी तभी फायर किया। ऐसा लगता है ये गरीब परिवार की है। अच्छा हुआ, नहीं तो कमीनी अपना खाना खाती। अंकल, क्या आप अच्छे आदमी हो? नहीं। नहीं, आप अच्छे आदमी हो। आपने मुझे बचाया। अगर इस प्लैनेट का कोई इंसान ये संदेश सुन रहा है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। अगर आपको ये संदेश सुनाई दे रहा है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। हम ओएसएस की आर्मी हैं, हमारे पास गन है और हम आपको सुरक्षा दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, हमें बालू के कीड़ों को ठिकाने लगाना आता है। हम इंसान अब फिर से फाइट करेंगे।无彩的梦，不曾离开的家乡。
在那个远方，随后沉默不罢休，跌进漩涡，烈日当空，心陷入空洞，还是什么我们不断的漂泊，为何的沙漠只剩下回响，随后沉默不罢休，跌进漩涡，烈日当空，心陷入空洞，还是什么我们不断的漂泊，为何的沙漠只剩下回响。寥寥的人看不见的虚晃，亲爱的你看见信仰，也在呢喃那是绿洲啊，带着出世的行囊往新的远方。